स्वागत है दोस्तों एलएम वैदिक फार्म में। तो हमने कहा था कि प्रयोगशाला में अनार जो हैं जो सेट हो गए हैं उनको तोड़ने के बाद अब बड़े बगीचे में भी एक ही साथ सारे बगीचे में जो अनार को तोड़ दिया जाएगा और उसके बाद हमारा अनार का ट्रीटमेंट शुरू होगा। तो अनार को जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जो है पूरे बगीचे में अनार हम हटा देंगे। उसके बाद वाटर शूट को भी निकाल दिया जाएगा और ट्रीटमेंट जल्द ही शुरू होने वाला है। तो दोस्तों जो अनार की क्वालिटी है इस बार हम बहुत ही बेहतरीन जो है क्वालिटी जो है पैदा करेंगे, तो उसी कारण हमारे ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। तो अनार को हटाना बहुत आवश्यक है, बहुत ही ज़्यादा अनार सेट हो गए हैं। तो प्रयोगशाला में तो हमने पहले जो है अनार को हटा दिया है और जो बड़ा बगीचा बचा था तो उसका जो हमने ट्रीटमेंट है शुरू कर दिया है। तो जल्द ही हमारा जो ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है, तो हमारी शुरुआत जो अनार तोड़ने से शुरू हो गई है। तो कुछ पौधों पर तो बहुत ही ज़्यादा जो अनार हैं वो सेट हो गए थे और कुछ पौधों पर कम थे। तो दोस्तों अभी तो आप देख सकते हैं कि अनार इतने सेट हो गए हैं, लेकिन जब हम हस्त बाहर पकड़ेंगे तब पौधों पर फूल आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो वही हमें जो है सक्सेस करके दिखाना है। पिछली बार जो है बहुत ही शानदार फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन इस बार पौधे बड़े हो गए हैं तो प्रोडक्शन भी अधिक निकलेगा और बहुत ही शानदार क्वालिटी हम जो है इन पौधों से लेने की कोशिश करेंगे।